शिक्षा एक्सप्रेस का जीता जागता उदाहरण मध्य विद्यालय सोनमंकी अलौली खगड़िया में देखने को मिला। यह विद्यालय खगड़िया जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यह विद्यालय महादलितों की बस्ती में अवस्थित है। इस बस्ती के लोगों को बाढ़ के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। सोनमंकी की एक बाढ़ पीड़ित इलाका है, इसके बावजूद भी यहां के बच्चों में शिक्षा के प्रति ऐसी जिज्ञासा देखने को मिली जो दो नदियों से पार करके विद्यालय में पढ़ने आते हैं। इस विद्यालय के रंग रोगन तथा वहां की व्यवस्था को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक में बिहार के खगड़िया में एक शिक्षा एक्सप्रेस विद्यालय भी है। हम लोग यहाँ चाहते हैं कि इस पिछड़े इलाके में अगर स्मार्ट क्लासेस के द्वारा अगर पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए तो बच्चे का भविष्य बहुत बेहतर बन सकता है। और ये सुदूरवर्ती जहाँ शिक्षा की रोशनी अभी तक कमोबेश कम पहुँची है उसको उड़ान मर सकता है, वो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है और बेहतर से बेहतर हमारे प्रक्रिया के बच्चे बेहतर ज़िंदगी जीने में लाभ ले पाएंगे। यही हमारा सबों से आग्रह रहेगा कि इस पर ध्यान दिया जाए, स्मार्ट क्लासेस को शुरू करके यहाँ में शिक्षा के प्रति सबको जागरूक किया जा सकता है। जी सर, आपका शुभ नाम? कन्हैया लाल पंडित, मध्य विद्यालय सोनमंकी के प्रधानाध्यापक के रूप में से मैं आम जन को के सहयोग के लिए ये आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे अभिवंचित वर्ग के बच्चे जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो उनको नई दुनिया से जोड़ने के लिए ये स्मार्ट क्लासेस होना बहुत ही जरूरी है। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।